हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अप पीवीआर स्टडी में। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी ये उनके फैज पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपको भी यही कोशिश करना है, आपके हुनर जमाने में दिखाई दें, आपकी भाषण आपकी आवाज़ न लोगों को सुनाई पड़े। तो कुछ ऐसे खामोश होकर हम लोगों को भी वर्क करना है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत से हमारे मित्र, जुड़ चुके हैं साथी, जुड़ चुके हैं। चलिए आगे क्लास हम लेके चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये नया चैनल है तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि आपकी अब क्लास जो फ्री वाली लाइव है इसी पे होगी, पूरे 15 अक्टूबर तक चलेगी भैया। तो 15 अक्टूबर तक इसी पे क्लास चलेगी, ये भी आपका ही अपना चैनल है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी साथी जुड़ गए जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, विनम्र निवेदन है आपसे, और आप स्वीकार करिए, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। जल्दी करिए, आप लोग इसको करिए और सभी बच्चे क्लास को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपकी क्लास जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे चलते हैं। बहुत जल्दी करिए, देर मत करिए भाई, क्लास सारी बिल्कुल फ्री होगी, सिर्फ आपको क्या करना है, खूब सारा शेयर करना है। तो सभी साथी जल्दी से शेयर कर दें, मैं इंक डाल दूँ मार्कर में जिससे अच्छा दिखे। कहीं जाना मत कोई। एंजल साहू, पूनम यादव, जगदीश राजपूत, तो सभी बच्चे जल्दी शेयर करो फटाफट, कोई कहीं जाएगा नहीं। मैं इंक डाल रहा हूँ जिससे आपको अच्छा दिखाई पड़े भाई, इंक रहेगी ना तभी तो बेहतर दिखेगा ना, इसलिए मैं स्याही डाल रहा हूँ। आप सभी जल्दी से शेयर करो फटाफट, सभी साथी शेयर करें, देर ना करें, जल्दी करें भाई। दोस्तों में शेयर कर दो ना यार, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में लगा दो, व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भेज दो। दीपा सिंह आपने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए तो मैं इसमें इंक डाल दिया हूँ, एक दूसरा पेन है उसमें भी डाल देता हूँ जिससे कि अच्छा चले। तो अगर ज़्यादा इंक रहेगा तो बेहतर चलेगा, आपको एकदम अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो जल्दी सभी शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो मिनट लगेगा ना, और लाइक भी करो सभी, जल्दी करिए। हो गया तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई जाएगा नहीं, शेयर करके फटाफट आओ सभी, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ शेयर करना है बस, ठीक है। कुलविंदर सिंह भी जुड़ चुके हैं, और अनंत जी भी जुड़ चुके हैं, आशीष, प्रियंका, सोनम। देखिए यहाँ पे अभी हम कोई सवाल नहीं बता रहे हैं, पहले जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप क्या पूछ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है ना, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं ना। चले आगे, शेयर कर दिया आप लोगों ने, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बच्चे आ गए, अब धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या और संख्या रेखा पर नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, ये सब हम सीखेंगे एकदम शुरुआत से, एकदम शुरुआत से सीखेंगे बच्चा लोग। तो ध्यान दो, क्या क्या सीखेंगे आज हम, आज आपका ये डे 9 होगा, यानी आपका 9वां दिन है आपका, क्या ये 9वां दिन है क्लास का। आप सीखोगे पूर्ण संख्या, ये चैप्टर कौन सा है आपको पता है, DLED का द्वितीय सेमेस्टर का ये चैप्टर 4 है। कौन सा चैप्टर है भाई, चैप्टर 4 है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। ऐसे ही कुछ चैप्टर है, आप देख लो अपने बुक में, हमें तो यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो मैं चैप्टर यहाँ पे डाल देता हूँ, आपका चैप्टर 4 है। कौन सा है, चैप्टर 4 है। अनुराधा पटेल भी जुड़ चुकी हैं, दिगंबर जी भी जुड़ चुके हैं, अम्बेश आर्या, जगदीश, रंजना देवी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताओ कोई पूर्ण संख्या जानता है भाई, शेयर करो यार, 50 लोग की तो संख्या होनी चाहिए ना बाबू, उसमें होती थी 100, 120, 130, तो क्या इसमें ऐसे रहेगा, क्या ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो इसके बारे में पहले भी पढ़े हो फिर बताऊंगा। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर बोलते हैं, जानते हैं ना। तो होल नंबर क्या होता है, जैसा कि मैंने कल ही शायद अभी आपको बताया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तो बनी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ऐसे कुछ बताया था ना कल, बताया था, आप लोगों ने सुना भी था, समझा भी था, है ना। आगे क्या है देखो, एंजल साहू आप अपना पढ़ाई करिए जो आपको पढ़ना है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे जो हो रहा वैसे आपको आता होगा, तो जिनको आता भाई उनके काम का तो नहीं है। चलिए क्लियर है ना, एकदम अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोग में से कोई बताएगा एग्जाम्पल, एनीवन कोई एग्जाम्पल बताएगा। देखो प्राकृतिक संख्या कल मैंने बताया था नेचुरल नंबर,
एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये है भैया कि जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर देते हैं तो बनी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी जीरो से लेकर के अनंत तक क्या होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। रविशंकर आ गए, अच्छी बात है जो आप आ गए, मैं तो सोच रहा था आज आओगे नहीं, कहीं चले गए हो। अनंत पांडे, रोली कुमारी, जगदीश मानसी, पीबीआर स्टडी से अमित सिंह, अर्पिता सिंह, उपेंद्र, मिंटू, सभी का उत्तर आ गया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप लोग सब जानते हो, बताना नहीं है। आज जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो पढ़ना है, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं, आज ये मुख्य टॉपिक है। तो पहले मैं बुक खोल लेता हूँ, इसमें हमारे पास ऑनलाइन सामग्री है भाई, ऑफलाइन में तो है नहीं। तो आप लोगों में से कौन कौन संख्या रेखा जानता है, बोलो जल्दी से। यस, संख्या रेखा जानते हो ना बच्चा लोग कि नहीं जानते हो? भाई क्लास को शेयर करो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगी। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ये आप समझ गए, इसको मिटाता हूँ। तो चलो अब संख्या रेखा के बारे में बात करते हैं। अंजू चौहान, अंशिका सिंह, साहिबा, सभी का सही है, सभी जानते हैं। तो ये पूर्ण संख्या हो गया, आप समझ लिए, इसमें कुछ बताना नहीं चूँकि पहले से पढ़ाया हूँ। एंजल साहू, आप जानती हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, संख्या रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सबसे पहले कौन बताएगा भाई? संख्या रेखा, देखो मार्कर में इतना ज़्यादा स्याही है ना कि ये पोंक रहा भाई। उपेंद्र, पूनम, मिंटू, पुष्पेंद्र, अंजू, नीलम, प्रतिमा, एंजल, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना, नंबर लाइन, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसे क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। मैं चैप्टर खोल लेता हूँ आपका, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ना चैप्टर नंबर 4 ही तो डाला हूँ ना, हाँ ठीक है। तो आप लोग ये बताओ मुझे, कर्मागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? कर्मागत पूर्ण संख्या आप जानते हो, कर्मागत पूर्ण संख्या? अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। साहिबा खान बिल्कुल सही है, अंशिका सिंह, रोली कुमारी, आप ये बताओ कर्मागत पूर्ण संख्या, कर्मागत पूर्ण संख्या, पहले हम एक सिस्टम से चलेंगे ना, कुछ भी छूटने ना पाए। कर्मागत पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए सविता उपाध्याय ने कमेंट कर दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे, जैसे कोई नंबर जो सीरियल से हो और वो पूर्ण संख्या भी हो, जैसे मैंने लिख दिया मान लो 4, 5, 6, तो ये क्या है, ये कर्मागत पूर्ण संख्याएँ हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक से ही लिखो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कर्मागत पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं 9 से लेकर के कोई 5 कर्मागत पूर्ण संख्या लिखो तो क्या होगी, एनीवन कोई बताए? 9 से अगर हम शुरू करें तो कोई 5 कर्मागत पूर्ण संख्या बताओ भाई, जल्दी करो ना यार, कितनी होगी? देखो सिंपल सी बात है, एंजल साहू ने भी कमेंट कर दिया, पीबीआर स्टडी से अमित सिंह, साहिबा, अमित राज, बिल्कुल सही। 9 से अगर मैं बोलूं 5 तो भाई 9, 10, 11, ये 12 और 13 तक, बस ये कर्मागत क्या है, पूर्ण संख्याएं है ना। तो बस कर्मागत पूर्ण संख्या में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। 50 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए भाई, इसको आप लोगों को बना के रखना है, मेंशन करना है, 50 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे जानते हैं पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो बच्चा, जिनका इंटरनेट स्लो चल रहा है वो कोशिश करें कि अपना जो है क्वालिटी चेंज कर लें, इंटरनेट सही करें, क्योंकि हमारे यहाँ फुल HD में दिख रहा है, हमारी तरफ ब्रॉडबैंड से कनेक्शन चलता है, ये क्लास बिल्कुल HD दिखता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये होती है नंबर लाइन, जिसे संख्या रेखा कहा जाता है। अब ये काली कलर में ही नहीं होती, आप नीले कलर से खींच लो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो समझो, इसमें बीचों बीच में होता है भैया मूल बिंदु होता है, क्या होता है ये मूल बिंदु, जिसे इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, ये क्या होता है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं, ये बात आप समझो, अच्छे से समझो, क्या होता बाबू ये मूल बिंदु होता है। अब देखो इसमें दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं। भाई आपने पूर्णांक भी तो पढ़ा था ना, धन पूर्णांक पढ़ा था, ऋण पूर्णांक पढ़ा था, तो इस पे दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं होती धन पूर्णांक होती हैं, देखो ऐसे ना, बाईं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं वो ऋण पूर्णांक होती हैं। तो ये मैं जब पूर्णांक पढ़ाया था तो आपको बताया था, ये अनंत तक होता है, कहाँ तक होता भाई, अनंत तक होता है,
रविशंकर जी वीडियो काहे नहीं देख पा रहे हो यार, एक बार दोबारा से चला लो ना भाई। मिस्टर रविशंकर काहे परेशान हो रहे हो, वीडियो एक बार दोबारा से देख लो। तो ये क्या है, ये संख्या रेखा है, इस पर ये नंबर का प्रदर्शन ऐसे ही किया जाता है। सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमेशा संख्या रेखा के दाहिनी तरफ होती हैं। देखो दाहिना मतलब जानते हो, दाहिना मतलब जानते हो, जैसे मैं इधर खड़ा हो गया ऐसे करके, तो जो मेरा दाहिना हाथ है उधर फाइड जो नंबर है इधर, वो पूर्ण संख्याएं हैं। इधर वाली क्या है आप लोग बताओ, ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हो ये पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। हाँ तो लेकिन ये आप पूर्ण संख्या है क्या, आप बताओ, जो माइनस में है क्या वो भी पूर्ण संख्या है, कोई बताए, क्या जो निगेटिव है वो भी पूर्ण संख्या होती है या ये भी प्राकृतिक संख्या होती है, बताइए। देखो ये चीज़ तो बहुत आसान था, लेकिन संख्या रेखा पर कोई नंबर को कैसे जोड़ते हैं ये मुख्य बात है। संख्या रेखा पर कोई नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, यार जो बच्चे लाइक नहीं किए भाई निवेदन है आपसे, जल्दी से क्लास को लाइक करो, तुरंत देर मत करो। हाँ जो भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो साथी जल्दी से क्लास को लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास लोगों तक पहुँच सके। आपसे निवेदन है जल्दी करें, आपका पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है क्लास को लाइक करना और शेयर करना। बीच बीच में बोलना ना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता है तो भाई काहे ऐसा काम करते हो। हाँ गुंजन सिंह, निगेटिव नंबर भी होल नंबर होती है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो भी विचार आ रहे हैं बताते रहो, हम जो बताना उसको बताते हैं। आरआर वर्मा, पुष्पा वर्मा, संजय शर्मा और एंजल साहू, रेणु चौहान, कृपा शंकर, शरद तिवारी सभी बता रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए संख्या रेखा पर योग, संख्या रेखा पर दो और तीन का योग आप लोग जानते हो, जो जो जानते जल्दी बोलो, यस फटाफट बोलो, और कापी पेन लेके बैठो भाई, खाली यार तमाशा मत देखो, नहीं कुछ मज़ा नहीं आएगी। हाँ खाली यार तमाशा मत देखो, और एंजल साहू तुम भाग जाओ चुपचाप, जाके पढ़ाई करो, जाके पढ़ाई करो, यहाँ मत देखो ठीक ना भाई, छोटे बच्चे ना परेशान हो, जिनको जो पढ़ना है जाके अपना पढ़ें। हाँ चलो यहाँ दांत मत निकालो, चलो अब देखो दो और तीन कैसे जोड़ेंगे, दो और तीन कैसे जोड़ेंगे संख्या रेखा पर, ध्यान दीजिए आप लोग, ये दो है ये तीन है, इनको हमें जोड़ना है। आप ये बताओ ये संख्या रेखा पर कहाँ है, शून्य के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। भाई ऐसे सामान्य रूप से आप इसको पाँच नहीं लिख दोगे, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर कैसे जोड़ोगे ये चीज़ बड़ी बात है ना। तो हम इसमें कई तरह से जोड़ सकते हैं, अभी हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे, अलग अलग तरह से बताएंगे, अब ध्यान से देखो समझ में आएगा। हाँ तो देखो पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि दो और तीन को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है यार, ये दो से यहाँ दिखा दो ऐसे, और यहाँ से यहाँ, कितना होगा दो तीन पाँच होगा ना, कितना होगा भाई पाँच होगा। तो ये पहला तरीका है, ये कितना हो गया पाँच, आपको बात समझ में आई। आप इधर को एरो बना सकते हो जिससे कि मालूम चल सके, हाँ इधर को ये जा रहा है, ये संख्या रेखा पर योगफल है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं संख्या रेखा पर योगफल, क्या बोलते हैं इसको संख्या रेखा पर योगफल। चलो इसको बना लो, ये दो और तीन का योगफल है संख्या रेखा पर। अच्छा इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में करो, इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में करो, वो क्या है अपनी कॉपी में करो आप लोग, क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बोलूं पाँच में आठ जोड़ो, चलो कौन कौन जोड़ेगा जल्दी से करके दिखाओ, कॉपी में करो जल्दी करो भाई, पाँच में आठ को जोड़ लो यार ना, जल्दी करो संख्या रेखा पर, आप हो जाएगा तो बताना कि हाँ हमारा हो गया, और ईमानदारी से ये मत करना कि हाँ करो ही ना बता दो हो गया हो गया, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। हाँ जल्दी करो, हो गया, चलो हो गया, चलिए तेरह आएगा। दीपांशु जी ये तो आएगा तेरह, वो तो सबको पता है, लेकिन आप संख्या रेखा पर कैसे बनाओगे ये चीज़ तो आपको जानना चाहिए ना, ये चीज़ तो आपको जानना चाहिए ना भाई, कि संख्या रेखा पर आप इसको कैसे करोगे। देखो क्या करना है, दो में हमें तीन जोड़ना है ना, तो ये पहला तरीका हो गया। अगर कोई बड़े नंबर जोड़ना होते हैं तो उसके लिए एक और तरीका किया जाता है। हाँ यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो, जैसे बुक में आपके लिखा गया है, कैसे लिखा है
तीर के सिरे पर बिंदु 5 है, 5 से प्रारंभ, ये तो दूसरा है भाई। देखो लिखेंगे कैसे, इसके नीचे कुछ चीज़ें आप लिख लो इतना करने के बाद में। देखो जैसे आपके बुक में लिखवाया जाता है उसी तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीर के सिरे पर बिंदु 2 है, देखो यहाँ पे है ना, ये तीर के सिरे पर बिंदु 2 है, 2 से प्रारंभ किया, 2 से प्रारंभ किया, चूँकि हमें संख्या 3 में जोड़ना है, चूँकि हमें इस संख्या में 3 जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर 3 कदम, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 चले, जैसा कि ऊपर हमने दिखा दिया। ये चीज़ आप लिख लो, ठीक है, जो मैंने बताया। एक बार नहीं सुन पाए तो पीछे करके फिर से सुन लो, नीचे ये चीज़ लिख लो, दिखा दिया। इस प्रकार 2 और 3 का योगफल 5 हुआ। मतलब स्पष्टीकरण लिख दोगे तो थोड़ा सा देखने वाले को अच्छा लगेगा, बाकी अगर ऐसे भी कर दोगे तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा वो सुंदर सा हो जाएगा, उसकी बात अलग ही होगी। अब चलो देखो आगे, देखो अब सूरज जी, समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसी में थोड़ा सा जोड़ना तो आप जान गए ना, हाँ जान गए ना आप। अच्छा ठीक है, एक मैं और बता देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक और बता देता हूँ। संख्या रेखा पर जोड़ना, देखो भाई वैसे तो आप लोग जानते हो, लेकिन संख्या रेखा वाला जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसको और तरह से भी लोग करते हैं। देखो कैसे, ये कई तरह से किया जाता है, ध्यान दो आप लोग। इसे और आगे बढ़ाएं भाई, दिख कहाँ तक रहा है, काफ़ी दिख रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन हम बहुत बड़ी नंबर यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि जगह बहुत कम लग रही ना मुझे। इधर से तो कोई मतलब नहीं यार, मैंने तो गलत किया ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो माइनस में कोई नंबर तो हम जोड़ेंगे नहीं, नहीं रहने दो, जोड़ना पड़ेगा, माइनस वाला भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको सिखाना है, बुक में हो या ना हो लेकिन आपको सिखाना है। देखो अब ध्यान दो, जैसे अगर अब हम आपको बोलें, क्या बोलें कि 4 में 5 जोड़ो, 4 में 5 जोड़ो, संख्या रेखा पे दिखाओ, तो कैसे करोगे बोलो भाई? 4 में 5 जोड़ना है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा कि नहीं? 4 में क्या करना है, 5 जोड़ना है, तो पहले तो आपको क्या करना है, 4 से शुरू करना है। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल, जैसे 2 में 3 जोड़ना था तो हमने क्या किया था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हाँ 2 में क्या करना था, हमें 3 जोड़ना था तो 2 से शुरू किए। अब 4 में 5 जोड़ना है तो हम 4 से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, 4 से, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया, जुड़ गया। जितने में जोड़ना है वहीं से शुरू करोगे, जैसे 4 में जोड़ना था तो हम 4 से स्टार्ट किए, 5 में जोड़ना होता तो 5 से स्टार्ट करते, तो इस तरह से ये हो गया संख्या रेखा पर। लेकिन ये एरो जरूर बना देना, इधर से उठता हुआ और इधर को गिरता हुआ, ये जरूर बना देना, नहीं उल्टा हो जाएगा, सब माटी हो जाएगा, याद रखना। हाँ इस पे तीर का निशान जरूर बना देना, जिससे कि ये क्लियर हो सके आपकी, ये गाड़ी किधर को जा रही भाई, हाँ ये किधर को जा रही है, इस पे तीर का निशान जरूर बना देना, इधर से उठता हुआ उधर को गिरता हुआ, समझ में आ रहा ना? रुकमपाल प्रजापति जी, कुछ समझ में आ रहा है? माही ठाकुर, सूरज पटेल, राम गोविंद, आशीष, पूनम, अम्बेश, कुछ आ रहा दिमाग में कि बस वैसे देखे जा रहे हो? आ रहा है ना? चलिए तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें बता दें, ये PVR स्टडी का छोटा चैनल है, तो बाबू आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और 5000 पूरा कर दो। जल्दी से सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि वो क्लास देख पाएं। समझ में आ रहा ना यशवंत केवट, कुछ समझ में आ रहा है? तो चलो आगे चलते हैं, ये चीज़ आप कर लोगे। अच्छा लेकिन अगर इसी में हम आपको माइनस वाला बोल दें तब कैसे करोगे? भाई किसको नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, आएगा, सबको आएगा, नहीं आएगा टेंशन मत लेना, गारंटी के साथ हम सिखाते हैं, बस देखते रहना, जाना नहीं कहीं, जाना नहीं, आएगा, पक्का आएगा। देखो अब आगे एक और बता दें, क्या एक और बताएं कि घटाना बताएं? अब देखो जो मैंने अभी बताया दूसरा सवाल था यहाँ पे, ये चीज़ मत समझना कि 2-3 लिखा था तो वही था, नहीं वो दूसरा था। चलो अब घटाने पे चलते हैं, क्या करेंगे घटाने पे? माइनस वाला, चलो ठीक है। जैसे मान लो आपको मिले कि संख्या रेखा पर 9 और 3 का
अंतर बताइए भाई। अंतर मतलब होता घटाना। क्या होता है? अंतर मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना मीन्स सब्ट्रैक्शन। एक मक्खी आ गई पता नहीं कहाँ से, मुझे टाइप की यार परेशान कर रही। चलो देखो, ओ रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ भाई, इनको भगाना है तो। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ बस। हाँ चलो ठीक है। तो अब देखो, आप देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है? घटाना करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब ध्यान दीजिए, 9 में से क्या घटाना है? 3 घटाना है। आप लोग बताओ कौन कौन कर लेंगे इसमें, जल्दी बोलो। आशीष यादव, ये 6666 नहीं आएगा भाई। हाँ 6666 नहीं आएगा। देखो पहले आपको ये देखना है कितने में से घटाना है। हमें पता है 9 में से घटाना है, तो पहले हम 9 को पकड़ेंगे भाई। 9 को पकड़ लिए, ये है 9 को पकड़ लिए। अब क्या करना है? 3 घटाना है। हम 9 से 3 कदम किधर को चलेंगे? 9 से 3 कदम लौटेंगे। तो भाई लौट लो ना, ये लो 1 2 3। हाँ 9 से 3 कदम लौट गए, बस कितना आ गया? 6 आ गया ना, कितना आ गया? 6। इसको ऐसे बना लो, ये लो ये लो ये लो और ये लो। देखो ये एरो में बना रहा हूँ जिससे समझ में आए किधर को लौट रहे हैं, लेकिन नीचे स्पष्टीकरण लिख दोगे जैसे मैंने बताया था तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो चीज़ तो आप कर लिए, नहीं तो नीचे सीधा फीधा ऐसे लिख दो, उसको बनाने के बाद ऐसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लिख दो ये भी सही है, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिखना। हाँ ऊपर संख्या रेखा ऐसे बना लेना, बना के दिखा देना, और नीचे ये चीज़ ऐसे लिख देना। ये घटाने का मतलब ऐसे नहीं है कि सिंपल में बस इतना ही दिखा दो, इतना इतना दिखा दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। अगर पूछा रहेगा कि संख्या रेखा पर 9 और 3 का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्या रेखा पर 9 और 3 का अंतर ज्ञात कीजिए, आप सिर्फ इतना कर दोगे, संख्या रेखा नहीं बनाओगे, ये चीज़ नहीं करोगे तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये कर दिया पूरा, ये आपने नहीं लिखा, तो हो सकता है आपको पूरा भी नंबर मिल जाए या कुछ नंबर कट जाए, लेकिन मुख्य यही है, मेन यही है। ये तो ऐसे टेम्प्रोरी है, मतलब स्पष्टीकरण के रूप में। हाँ तो बच्चों की संख्या भाई कम हो गई, क्या बात है यार। मतलब अगर बड़े चैनल पर चलती थी तो वो लोग सब ऑटोमेटिक आते थे क्या? आप लोग कहाँ किस ग्रह से आए हो भाई? कोई मंगल ग्रह से भी आया कि सब धरती लोग से ही हो? अरे यार क्या बताऊँ, मतलब 100 के पार भी नहीं ले जाओगे। शेयर ना करो यार भाई साहब, शेयर कर दो ना बाबू, सभी लोग शेयर करो जो भी नहीं किए हैं। जो किए हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, उनके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, इतना बड़ा एहसान है उनका। लेकिन हाँ जो नहीं किए हैं ना वो भी करें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अच्छे से पढ़ाना, आपको समझाना, आपकी जिम्मेदारी क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना इसका मतलब। चलो ये कौन कौन मंगल ग्रह से है बताओ जल्दी से, कौन कौन है भाई? रविशंकर तुम ही हो मंगल ग्रह से लग रहा है, तभी देर में आए हो। देखो क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलती ना, वहाँ भी बैठ के देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता है वहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 10 में से 3 घटाना है तो कौन कौन कर लेगा? 10 में से 3 घटाना है तो कौन कौन कर लेगा बोलो भाई? 10 में से 3 का अंतर, हाँ हो जाएगी ना, हो जाएगी ना भाई? किसका छूट गया है? परेशान मत हो, प्लेलिस्ट में सारा क्लास उपलब्ध है, लेकिन हाँ टाइम से देखोगे तभी मिलेगा। बुलबुल मलिक जी आप नंबर पर संपर्क करना, बुलबुल मलिक आप नंबर पर संपर्क करना, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सब मंगल वाले ही हैं, धरती वाले कम हैं। चलो 10 में से कितना घटाना भाई? 3 घटाना है। कितना? 10 में से 3 को सबट्रैक्ट करना है। वेरी सिंपल है, कर लो ना यार, 10 से शुरू करो। कितने से? 10 से शुरू करो, 3 घटाना है, 3 बार गिराओ, 1 2 3, बस ये लो 10 से शुरू करो। एरो इधर को बनाना, एरो इधर साइड को बनाना, नीचे साइड को इसकी चुरकी रहेगी, ऐसा याद रखना। ये इधर से उठ रहा है, इधर को गिर रहा है, ये उठ रहा है, इधर को गिर रहा है, बस हो गया। नीचे क्या करोगे? लिख दो 10 - 3 = 7। स्पष्टीकरण मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, वैसे लिख लेना। हाँ ठीक ना।
सूरज पटेल, रोली माही और पुष्पा, गोविंद, पूनम, अर्पिता, रविशंकर, कुछ समझ में आ रहा है कि बस ऐसे देखे जा रहे हो? हाँ आ रहा समझ में ना? आशीष कुमार, हम रिसीव नहीं करते हैं। कहाँ नहीं रिसीव करते हैं भाई, सब कुछ तो रिसीव करते हैं हम, और करते क्या हैं? देखिए हमारे एक मित्र हैं महेंद्र जी और एक अभिषेक जी हैं, वो सब फ़ोन ही रिसीव करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। तो फ़ोन बहुत सारा रिसीव होता है, लेकिन हाँ अब कोई का वेटिंग में चल रहा है, बहुत से बच्चे करते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो अलग बात है। इसलिए मैंने 4-5 नंबर दिए हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो अब इसको कर लोगे सभी। अब गुड़ा वाला बताएं, बोलो गुड़ा वाला बताएं। चलो देखते हैं क्या है आगे। गुड़ा 2 का 5 में गुड़ा करिए, कर लोगे? गुड़ा वाला थोड़ा अलग होगा, ध्यान देना, ध्यान देना। संख्या रेखा पर, चलो गुड़ा बताते हैं मल्टीपल। संख्या रेखा पर 2 और 5 का गुड़ा करिए। भाई देखो, संख्या रेखा पर 2 और 5 का गुणा करिए। जैसे आप एक प्रकार से ये चीज़ सोचो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में से 3 घटाओ, 5 में से क्या करो 3 घटाओ, तो आप चुप्पे से लिखोगे 5 और इसमें 3 लिखोगे, घटा के बराबर 2 लिख दोगे, लिख दोगे ना। इसमें 5 का कोई रोल नहीं विशेष रूप से, मतलब अगर देखा जाए तो, यानी 5 के हमें पीछे जाने से कोई मतलब नहीं ना, ऐसे नहीं समझोगे आप। लेकिन इधर समझो, अगर हम कहें कि 2 का 5 में गुणा करो, तो हमें क्या करना है? 2 को ले के 5 में गुणा करना है। हाँ लेकिन इसमें हमें 5 को लेना नहीं था, 5 से सिर्फ घटा लेना था बस। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होगा गुणा में। देखो 2 और 5 का क्या करना भाई? गुणा करना है। क्या करना है? 2 और 5 का गुणा करना है। तो हम इसको 0 से शुरू करेंगे। 2 देखो, 1 2, अभी हमारा 2 वाला काम पूरा हो गया। कौन सा पूरा हुआ? 2 वाला। यानी हम कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। हाँ ठीक है, चलो आगे चलें। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया 2 हो गया, किस में करना है? 5 में गुणा करना है। अब हम यहाँ से 5 बार आगे बढ़ेंगे। कितनी बार बढ़ेंगे? 5 कदम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, क्योंकि हमें 2 का गुणा 5 में करना है। तो भाई पहले हम 2 कदम चल लिए, अब 5 कदम और आगे चलेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट। चलो फिर चलते हैं, काहे को रोक है। चलो कितने कदम चलेंगे? 5 कदम चलेंगे, ध्यान दो। ये देखो 5 में कितना है? 1 2 3 4 5। गलत हो गया का यार, मतलब नहीं गया वहाँ तक, गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ कैसे हो गया, एक मिनट सुनो, पहले नहीं हुआ, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। देखो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है सबसे, ऐसे नहीं होगा। देखो 2 कदम का मतलब हमने कुछ और समझ लिया, एक मिनट रुके रहो, ऐसे नहीं होगा। देखो इधर साइड समझो, मुझे खुद आपको समझाना पड़ेगा। जैसे 2 का 5 में गुणा करना है ना, इसका मतलब मैंने जो बताया वो मैंने गलत सोच लिया था। 2 का मतलब ये एक खाना और ये एक खाना, मतलब ये दोनों का मतलब एक मिला के बोलेंगे, तभी तो 2 होगा ना। ये एक हो, ये 0 से 1 तक एंड 1 से 2 तक, ये एक खाना होगा। हाँ तो ये ऐसा चलेगा, एक एक छोड़ के। देखो ये 1 हुआ, अब ये 2 हुआ। भाई 2 दूना 4 होता है ना, बोलो भाई 2 दूना 4 होता है ना, 2 दूना 4 होता है, तो यानी 2 बार में 4 पे पहुँच जाना चाहिए, समझ गए? 2 बार में 4 पे पहुंच जाना चाहिए, तभी तो 2 दूना 4 होगा। अब भाई तभी तो 2 पंचे 10 होगा ना, क्या होगा? तभी तो 2 पंचे 10 होगा। अब हाँ 5 बार, चलो 5 बार, देखो कितनी बार, 5 बार होगा ना, 1 2 3, तो कुल मिला के 5 बार टोटल हो जाएगा। देखो 2 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, हमें कितनी बार ले चलना है? देखो 2 गुणे 5, 2 को 5 बार, तो 1 2 2 बार हो गया, 3 4 एंड ये 5। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, समझ में आया ना? समझ में आया ना? 2 को कितनी बार ले जाना है? 5 बार। 2 को पकड़ना है, 5 बार पटकना है, कितनी बार? 5 बार। अभी एक और सवाल बताएंगे, आ जाएगा, टेंशन मत लो, पहला है। तो हमने क्या किया, 2 को 5 में गुणा करना था, हमने पहले 0 से उठाया, 2 पर गिराया, मतलब 1 छोड़ के 2 पे, ये मतलब 2 का अंतराल इसमें होना चाहिए।
एक बार दो पे गिराया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, यानी दो पंचे दस हो गया। समझ में आया? कितने लोग को नहीं समझ में आया बताओ, जल्दी बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। और जो छात्र अभी नए नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ये नया चैनल है आपका बाबू, ठीक है, ये आपका PBR स्टडी का नया चैनल है। सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वो पढ़ सकें हर रोज़। ये अब 15 अक्टूबर तक आपकी क्लास इसी पे चलेगी, बाकी जो PBR स्टडी का इलाहाबाद चैनल है मुख्य चैनल, उस पे क्लास 15 अक्टूबर के बाद से ही आपको रेगुलर वाली मिलेंगी। बाकी और बहुत सारी उस पे क्लासें चलेंगी, लेकिन DLED वालों का लाइव जो फ्री वाला इसी पे चलेगा। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो, एक और समझ लो, आ जाएगा समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये गारंटी है। ध्यान दो, लेकिन भाई ध्यान दो, समझने की कोशिश करो बच्चा लोग, आएगा। संख्या कम जुड़ती है, थोड़ा इस बात का अफसोस है, लेकिन हम वो भी सुधार कर लेंगे। आप लोगों का साथ होना चाहिए, जितने बच्चे हैं इनको नहीं जाना कहीं बस। चलो अगर हम बोलें, एक छोटा सा फिर से वही टाइप कर देंगे क्योंकि समझ में आ जाए, 2 का 3 में क्या करना भाई, 2 का 3 में गुणा करना है आपको, क्या करना है ध्यान दो, 2 को 3 में गुणा करना है। इसका मतलब क्या है कि 2 को पकड़ के 3 बार पटकना है, क्या करना है, 3 बार पटकना है। तो 2 कैसे पकड़ेंगे, 0 से स्टार्ट करो, 2 पे गिराओ, ये एक हो गया, मतलब मैंने इसको 1 बार पटक दिया, 3 बार पटकना है। हाँ, अब 2 को आप लोग सोचोगे 2 कैसे हुआ, देखो 2 ऐसे हुआ क्योंकि 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक 1 खाना हो गया, एंड 1 से 2 तक ये 2 हुआ कि नहीं भाई, 0 से 1 तक 1 हो गया एंड 1 से 2 तक 2 हो गया ना। तो हमने क्या किया, 2 को 1 बार पटका, फिर इसको 1 बार और पटक दो, भाई 2 बार हो गया, 3 बार पटक दो, बस इसकी सारी जो है ना एक्टिविटी यहीं पे बंद हो जाएगी और ये उत्तर आ जाएगा, समझ गए ना, यानी 2 3 6 आ गया समझ में। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। और हाँ, आप लोगों से एक बात बताना है कि जो PBR स्टडी के छात्र नए नए जुड़े हैं, भैया देखो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है बाबू, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, अगर आपको क्लास नहीं मिलती आप चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का, सारी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजी जाती है, सारी लिंक टेलीग्राम चैनल पे भेजी जाती है, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो सभी बच्चे क्या करें भाई, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें जिससे उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जा सके, हाँ नोटिफिकेशन भेजा जा सके। तो ये गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, इसमें भाग नहीं है, इसमें भाग नहीं है, तो संख्या रेखा वाला काम हम ख़त्म करते हैं, संख्या रेखा वाला काम हम ख़त्म करते हैं। अब हम चलेंगे पूर्ण संख्याओं पर, संक्रियाओं के प्रगुण क्या है, पूर्ण हेडिंग डालो भाई, लिखो, ये बताओ मुझे पहले, ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोले कौआ काटे, सुने हो ना, तो चलो झूठ नहीं बोलना, लिखो, हाँ लिखो नहीं, पहले मुझे सही सही बताओ कौन कौन कॉपी लिया है, जो जो कॉपी लिए हैं कॉपी और पेन दोनों वो यस बोलेंगे, जो नहीं लिए हैं वो नो बोलेंगे, जल्दी बताओ कॉपी लिए हो सभी, झूठ नहीं बोलना याद रखो, नहीं तो मैं समझ रहे हो ना, जान जाता हूँ कौन झूठ बोल रहा है, ईमानदारी से बताओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर कोई नहीं लिया है उसे अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और कल से कॉपी पेन लेके बैठना, कल से कॉपी पेन लेके बैठना, मतलब सब कॉपी लिए हैं, कमाल की बात है भाई। दीपा त्रिपाठी, टाइम से नहीं जुड़ोगी तो फिर उसका परिणाम कौन भोगेगा। संदीप यादव, आपको इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं आ रहा था। यशवंत केवट भी कॉपी नहीं लिए हैं भाई, और लगभग सब कॉपी लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मतलब सब कॉपी लिए हैं, चलिए ठीक है, आप लोगों का विश्वास इसी तरह से बना रहे। माही ठाकुर, यशवंत, जगदीश और आंचल सिंह, आंचल सिंह जो भी कॉपी नहीं लिए हैं, भैया हो बाबू हो जो भी समझो, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि ये रामायण तो हो नहीं रही कि सीरियल देखे रहोगे याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, वैसे भी याद नहीं होता, अच्छी बात है ना। अभी कोई लड़का छोटा सा है, बगल वाला गाली दे रहा तो बड़े जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अगर उसको क्या कर रहा है, पहाड़ा सुना रहा है, वो कभी नहीं याद करेगा, तो ये क्या होती है, मानव की प्रकृति होती है इस प्रकार की। तो कॉपी पेन लेके बैठोगे तो बाद में समझ में आएगा कि पढ़े क्या हो, ठीक है चलो। तो हेडिंग डालो अब, ठीक है, जो कॉपी लिए हो हेडिंग डालें,
और जो कॉपी नहीं लिए मुंह फैला के देखते रहें। हाँ चलो ठीक है, मतलब मुंह बंद कर लो नहीं मच्छर घुस जाएगा। लिखो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर ऐसे ही है हाँ, संक्रियाओं के प्रगुण, संक्रियाओं के प्रगुण लिखो जल्दी से। अब प्रगुण में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, संक्रियाओं के प्रगुण। प्रगुण मतलब जानते हो आप, बोलो प्रगुण। अरे गुण तो सुना ही होगा आपने, बस उसी से संबंधित है कुछ कुछ। चलो हाँ, तो सबसे बाद में कमेंट किया है आशीष कुमार यादव ने, मैं इन्हीं का कमेंट पढ़ रहा हूँ। चलो पहला है पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण। देखो एक बात सुन लो, योग का प्रगुण देखोगे पूर्ण संख्या का, फिर घटाने का प्रगुण देखोगे, फिर गुणा का देखोगे, फिर भाग का देखोगे, और इसके जो अंतर ना योग में कई तरह का देखोगे, योग में कई तरह का प्रगुण देखोगे। जैसे योग में समवर्ग प्रगुण, वितरण, साचर्य होता ना, होता ना ये सब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिलहाल इंग्लिश में तो यहाँ है नहीं, हिंदी में ही पढ़ना सबको। चलो पहले लिखो ए पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, ये मुख्य हेडिंग डालना, इसमें लिखना ए। जो बच्चे लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं ईमानदारी से लिखो, ए नंबर डालो। पूर्ण संख्याओं पर, संख्याओं पर योग के प्रगुण, ये जान लो। अगर अच्छे से आप कॉपी पेन लेके बैठते हो ना तो नोट्स बन जाएगी एक, जो आपके कॉलेज स्कूल में क्लास चलती वैसे ही चलती है। 45 मिनट से कम नहीं पढ़ाते, अगर यूट्यूब पे अच्छी से क्लास चलती है तो 45 मिनट में आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो, जो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग बोलवाते हो तो बोलना पड़ता है। चलो योग के प्रगुण हो गया ए। अब ए में इसमें फर्स्ट नंबर डालना, ये चीज़ जरूर लिखो ऐसे सिस्टम से, पहले ऊपर हेडिंग डालो फिर ए नंबर डाल के डालो, फिर इसमें फर्स्ट आई लिखो, छोटा सा मतलब स्मॉल आई लिखो। योग का संवरक प्रगुण क्या है, योग का संवरक प्रगुण लिख रहे हो कि नहीं, योग का संवरक प्रगुण। हाँ जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल बताया है, हाँ कई बार एग्जांपल बताया है कि चूहा से हमेशा चूहा ही पैदा होता है। हाँ चूहा से कभी शेर पैदा हुआ देखे हो कोई, नहीं ना। इंसान से हमेशा इंसान ही पैदा होता है, इंसान से कभी कोई बिल्ली कुत्ता तो पैदा नहीं होता है। तो कहने का मतलब आप, मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को इसको अच्छा लगे या बुरा, इसका मतलब ये है कि दो पूर्ण संख्याओं को जब भी हम जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। लिख लो नीचे, नीचे लिखो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। नीचे लिखो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। देखो दो एक पूर्ण संख्या है, पाँच एक पूर्ण संख्या है, इनका योगफल हुआ तो जो सात आया वो भी क्या है, एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। जैसे आठ ले लो एक पूर्ण संख्या, एक पाँच ले लो, आठ पाँच जोड़ोगे तेरह आएगा, यानी आठ भी क्या है पूर्ण संख्या थी, पाँच भी पूर्ण संख्या थी, दोनों को मैंने जोड़ा तेरह आया, तेरह भी क्या है बाबू एक पूर्ण संख्या भैया। ठीक है तो मतलब समझ गए, नीचे स्पष्टीकरण में लिख लो, मेन लाइन वही है, तो एग्जांपल है, ये उदाहरण है, इसको बाद में लिखना, पहले नीचे लिखो इसके आगे समरक प्रगुण के आगे लिखो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। तो आज का ये क्लास का टाइम जो है ओवर होता है, इसके आगे इसमें हम आपको और भी चीज़ें लिखवाएंगे कल, चूँकि 20 मिनट बचा है, 20 मिनट में हमें कुछ अगली क्लास का प्रोफेस करना है, क्योंकि अगली क्लास अभी चलेगी रात 10 बजे से। तो बच्चा लोग जिनको भी मैथ सीखना है बेसिक, जो DLED वाले छात्र नहीं हैं वो रात 10 बजे से फिर से आएंगे। हाँ अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में भी हो तो रात 10 बजे से फिर से लाइव आना, क्योंकि जो वहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बता दूं कि रात 10 बजे अभी क्या पढ़ोगे, रुके रहो, रात 10 बजे अभी जो क्लास शुरू होगी चतुर्थ सेमेस्टर की उसमें क्या पढ़ोगे, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ। हाँ आज आप पढ़ोगे पूर्ण घन, दशमलव का वर्गमूल और घनमूल।
पूर्ण घन दशमलव संख्या का वर्गमूल घनमूल, मतलब कि आज आप दशमलव संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल पढ़ोगे भाई। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2.58 का वर्गमूल बताओ, ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और क्लास होगी, रात 10 बजे से आ जाना। कितने बजे से? रात 10 बजे से। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें। और हाँ, एक बात और सुन लो भैया, देखो यार होमवर्क आज इसमें बहुत देर हो गई है तो माफ़ी चाहते हैं, कल होमवर्क मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज आप लोग घूमना आराम से, खूब बढ़िया छुट्टी मनाना, कल होमवर्क मिलेगा, ठीक है? तो कल होमवर्क मिलेगा। देखो एक बात सुन लो, और यहाँ पे ध्यान से बच्चा लोग सभी ध्यान से सुन लो, जो नए छात्र जुड़े हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर लेना PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है भाई? लिखा है ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, उस नीली कलर पे लिंक पे क्लिक करो, जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। और जिन बच्चों के मोबाइल में भाई टेलीग्राम ऐप नहीं है, वो गूगल प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम लिखें और डाउनलोड कर लें, क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले सारी नोटिफिकेशन इस पे भेज दी जाती है। अब भाई यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता है तो आपकी क्लास छूट जाएगी, तो ये इतनी अच्छी क्लास आप छोड़ना नहीं कभी मैथ में सिखाने की हम गारंटी लेते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को भी सिखा दिया है जो बच्चों के भी मम्मी पापा हो गए थे, आज वो टीचर भी हो गए हैं। काफ़ी लोग अपना कोचिंग चलाने लगे हैं। हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो है ना, कभी बेरोजगार नहीं होते हैं, क्योंकि मैथ आप सीख लोगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई। आप बिजनेस भी कर सकते हो अच्छा, अगर आपने मैथ सीख लिया अच्छे से तो ना, भाई कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैथ नहीं आती तो नौकरी बिजनेस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैथ बिना कुछ होता नहीं है। जो लोग मैथ से दूर भागते हैं वो कभी ना कभी मैथ के चंगुल में आ ही जाते हैं, भाग नहीं पाते कभी। सब्जी लेने जाओगे, सब्जी वाला इस समय बताएगा भैया टमाटर 80 रुपया किलो है, और तुम कहोगे 100 ग्राम दे दो, और तुम मतलब रुपया नहीं जोड़ पाओगे 100 ग्राम का कितना हुआ। तो वहाँ भी तो मैथ लगेगी ना, तो इसलिए मैथ आना चाहिए। चलो, तो सभी छात्रों से, सभी साथियों से निवेदन है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं अभी थोड़ा देर बाद फिर से जुड़ने, रात 10 बजे से। आप लोग ज़रूर आना 15 मिनट में, रात 10 बजे से ढेर सारी संख्या में आना और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी छात्र आएंगे, बस यही गुजारिश होगी, आप लोग थोड़ा देर में आ जाइए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा खा पी के आ जाओ जल्दी से।